क्या हुआ था, ये तीन चीजें होती हैं जो मैंने आपको लिखी है। वन इज द स्टॉक मार्केट साइकिल, वन इज द इकोनॉमिक साइकिल, और वन इज द क्रेडिट साइकिल। अभी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो है बूढ़ा आदमी, वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे गिरता है। सो व्हेन लॉकडाउन हैपेंड एंड व्हेन कोविड केम एंड द क्रैश केम, सो इकोनॉमी कोलैप्स्ड बिकॉज लॉकडाउन लग गया, तो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई नहीं। तो इकोनॉमिक साइकिल टुक अ डाउन टर्न स्लोली एंड स्टेडली। व्हाट हैपेंड बाय देन, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड गिविंग पैकेजेस। यूएस के अंदर भी रिलीफ पैकेज दिया 20 ट्रिलियन का, इंडिया के अंदर भी पैकेज दिया। बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया, मॉरेटोरियम कर दिया, इंटरेस्ट रेट्स को आप 3 महीना आगे लेके जा सकते हो। एंड दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड दे रिड्यूस द प्राइसेस, जो भी आपको लोन लेना है। एंड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम इट वाज अ हाई पैनिक। सो इकोनॉमिक साइकिल वाज डाउन, स्टॉक मार्केट साइकिल वाज डाउन, एंड क्रेडिट साइकिल बॉटम्ड आउट। नाउ क्रेडिट साइकिल इज वन थिंग व्हिच इज द लीडिंग इंडिकेटर। अरे यार जो है कॉल ये लिख रहे हैं, कॉल इनको बोला तो कॉल ज्वाइन करें अरविंद जी को। मैं जाऊं उधर जाऊं कहां कहां जाऊं, प्लीज आस्क हिम टू ज्वाइन द कॉल। धनंजय जी इज ही ऑनलाइन? आ गए हैं या सर। हाँ। सो क्रेडिट साइकिल बॉटम डॉट बिकॉज आरबीआई हैज द पावर, और बिकॉज हमारा रिजर्व बैंक है, आरबीआई हैज द पावर टू टिंकर इन द रेट्स, लेंडिंग रेट्स एंड डिपॉजिट रेट्स, एंड टू बूस्ट अप कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन बूस्ट तो कैसे होगा, कंजम्पशन तो सारा बंद ही हो गया, तो लोगों को स्पेंड करने की पावर देने के लिए पैसा सस्ता करना पड़ेगा। जब तक पैसा सस्ता नहीं होगा लोग स्पेंड कहाँ से करेंगे। इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, आपका 21 डेज का लॉकडाउन लग गया है, स्विगी जोमेटो चल नहीं रहे, तो लोगों को एटलीस्ट फूड वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन तो चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग ऑन अ जॉब तो यू विल नॉट गेट द पे। सो बैंक्स वर एडवाइज बाय द गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस रेट्स टू ड्रास्टिकली लो लेवल्स। And that is when the time when your credit cycle bottomed out and started moving up. Next, what happened in demonetization, जब हम लोगों ने सारे 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा करा दिए थे और 2000 का नोट मिल नहीं रहा था और बैंक से विड्रॉल्स हो नहीं रहे थे, तो व्हाट वाज दैट, बैंक्स वेंट अवॉश विद कैश एंड यू वर नॉट एबल टू विड्रॉ दोस फंड्स। एंड आई थिंक 4000 में चेंज होते थे और 10000 पे एक वीक में विड्रॉल होता था, एंड मल्टीपल नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वर बीइंग चेंज्ड। तो व्हाट इज दिस, योर क्रेडिट साइकिल इज गेट्स अवॉश विद कैश। नाउ नोबडी वांट्स दिस मनी, तो व्हाट विल हैपन, डिमांड सप्लाई, द कॉस्ट ऑफ दिस मनी टू गेट इन एज अ वे ऑफ लोन गोज डाउन। तो अब देखो जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ मार्केट्स कोलैप्स लगे नहीं थी, 3-4-5 दिन के अंदर वो 25-30% इंडेक्स गिर गया, बट इट बॉटम्ड आउट। 2 महीने का था ना, 8 नवंबर को मोदी जी ने अनाउंस किया कि ये डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो 2 महीने के अंदर तो मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप बिकॉज ऑफ द क्रेडिट साइकिल। सेम थिंग हैपेंड इन कोविड, कोविड आया, लॉकडाउन लगा 22nd या 23rd मार्च को, मार्केट क्रैश लाइक एनीथिंग, बट बाय द एंड ऑफ मार्च इन द नेक्स्ट 6 to 7 days मार्केट्स बॉटम्ड आउट एंड स्टार्टेड गोइंग अप सिंपली बिकॉज ऑफ द क्रेडिट साइकिल। सो नाउ द क्रेडिट साइकिल इज अ लीडिंग थिंग, दिस विल पुश अप योर स्टॉक मार्केट साइकिल एंड स्लोली एंड स्टेडली योर इकोनॉमिक साइकिल विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप। So when all the three are in an up direction, when all the three are in up direction, you will realize ki we are in a bull market. Correct? So people at that time, smart people at that time, they knew ki this credit cycle will use after maybe 6 months or maybe 8 months, will revert the economic cycle and we'll see bull markets going again. So they bought red left, right, and center because stocks were available damn cheap. एंड पीपल लाइक अस वर वॉचिंग यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स एंड वर स्केयर्ड कि जान बचेगी नहीं बचेगी, बट दे वर बाइंग एंड दोज प्राइसेस डिड नॉट कम बैक अगेन। आज की तारीख में क्या हो रहा है, व्हेन विल द मार्केट फॉल, मार्केट डज नॉट फॉल, 200-500 पॉइंट गिरता है फिर चढ़ जाता है, 200-500 पॉइंट गिरता है फिर चढ़ जाता है, लार्ज कैप्स को। व्हेन विल द मार्केट फॉल, योर लीडिंग इंडिकेटर इज योर क्रेडिट साइकिल। एज यू सी क्रेडिट क्रंच, एज यू सी स्क्वीज ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम, इन द लोन सिस्टम, दोज आर योर इनिशियल साइंस योर मार्केट इज गोइंग टू टॉप आउट। सबसे पहले आपका क्रेडिट साइकिल ऊपर नीचे होगा, उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट साइकिल विल फॉलो, एंड इवेंचुअली योर इकोनॉमिक साइकिल विल फॉलो।
नाउ इफ माई क्रेडिट क्रंच स्टार्ट हैपनिंग, बैंकों के रेट बढ़ जाते हैं एंड दे इंक्रीज द रेट विच वी कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक, हमारे हाउसिंग ईएमआईज बढ़ जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट हिंट कि योर मार्केट्स आर गोइंग टू पीक वेरी सून. और आज के तारीख में अगर आप जाके देखो, बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है देने के लिए. बैंक्स आर टाइट इन देयर लिक्विडिटी पोजीशंस. किसी भी बैंक वाले से आप पूछो, लोन्स जो भी हो रहे हैं, इसी बैंक क्या करेगा, अपनी लोन का स्प्रेड बढ़ाने के लिए रिस्की लोन्स करेगा, क्योंकि उसको कमाई दिखानी. अगर वो कमाई नहीं दिखाएगा तो उसका स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? तो हाउ विल ही डाइल्यूट एंड गेट मोर मनी? सो ही विल शो यू रिस्की, ही विल डू रिस्की लोन्स टू इंक्रीज हिज स्प्रेड्स. बट टुडे द मार्केट, द रियलिटी इज दैट देर इज अ क्रेडिट क्रंच अमंगस्ट अस, वी द कॉमन पीपल, प्रॉब्ली हु आर नॉट एम्प्लॉयड, प्रॉब्ली हु आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, एंड देर इज अ क्रेडिट क्रंच इन द बैंकिंग सिस्टम. सो दीज आर योर इनिशियल साइंस ऑफ द मार्केट्स आर पीकिंग अप. अभी आप किसी को बोलो कि मार्केट्स आर पीकिंग, हम बोलेगा बेवकूफ आदमी है, तो कब से बोल रहे हैं, 75,000 हो गया. ऐसा नहीं होता है. इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेरी वेल, क्रेडिट साइकिल इज स्लोइंग डाउन. जहां पे क्रेडिट क्रंच हुआ, जहां पे लिक्विडिटी निकली मार्केट के अंदर से, जहां पे रेट बढ़ा, छुट्टी, खेल खत्म. वहां पर आप जो मर्जी ले लो, जितना मर्जी सपोर्ट लगा लो, कुछ नहीं बचने वाला. अभी ये वॉर वॉर जो ये सब चीजें हो रही हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये वॉर, ईरान ने इसराइल पे बंदूकें डाल दी या बम फोड़ दिए, इससे होगा क्या? सबके दिल में डर बैठ जाएगा. कल क्या होगा? मार्केट नीचे खोलेंगे, नीचे खोलते आप सब बेस दोगे, देन दे विल रिकवर. So this is too obvious. Something which is too obvious does not work. This is what happened in COVID. This is what happened in demonetizations. See again, names change. आप उसको COVID का नाम दो, आप उसको demonetization का नाम दो, patterns remain the same. You have to understand the flow of money. If you understand the credit cycle, where it is going, because ये चीज अगर आपको पकड़ में आ जाती है कि liquidity आ रही है system के अंदर, नहीं गिरने वाला स्टॉक मार्केट. जितना मर्जी शॉर्ट करो, जितना मर्जी एफएंडे करो, कुछ नहीं होने वाला. बट इफ दिस क्रेडिट साइकिल, सी क्रेडिट हैज अ पावर टू मेक एन इकोनॉमी, एक्सेस क्रेडिट एंड द लैक ऑफ क्रेडिट, दोनों ही चीजें हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी. नाउ इफ एक्सेस क्रेडिट इज हियर, योर इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शूट अप. इफ इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शूट अप, योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग टू गो अप, एंड गवर्नमेंट वुड बी बाउंड टू स्क्वीज दैट लिक्विडिटी आउट ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड बिजनेसेस who are dependent upon debt, businesses who want a more and more debt for their working capital are the ones which are fragile. Fragile मतलब वो सबसे पहले मरेंगे, वो सबसे पहले मरेंगे. चार्ट जो भी हो, चार्ट से कोई मतलब नहीं है, वो सबसे पहले खड्डे में जाएंगे. Businesses who have a moat, who have a competitive advantage, they can still lose their margins by a tad bit and still survive. That is why you go and find great businesses, good businesses. You don't go and find 1-2% EBITDA margins businesses, right? These are the businesses which will go under very fast. वो टिकने ही नहीं वाले हैं, जितना मर्जी आप उसमें कुछ भी कर लो. So realize and try to figure out where your credit cycle is today, where it has been in the past, and what will happen if by any chance this credit cycle goes down. And credit becomes difficult and credit becomes expensive. Banks are having difficulty in lending. Banks don't have liquidity at their disposal. You will get higher EMI rates. Your economic cycle and your stock market will cycle will follow that. So बस यही चीज है which one has to understand. तो मैंने कहा लिखने से अच्छा बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. Any questions on this? सर, सो द साइकिल विल बी लाइक दिस जनरली, कि सबसे पहले क्रेडिट साइकिल बर्स्ट होगा, फिर इकोनॉमिक साइकिल बर्स्ट, फिर नहीं, स्टॉक साइकिल स्टॉप बर्स्ट स्टॉप होगा, और फिर इकोनॉमिक साइकिल बर्स्ट होगा. एंड बर्स्ट इकोनॉमिक कभी बर्स्ट नहीं होता सर. इकोनॉमिक हाँ, और धीरे हाँ धीरे मतलब चलेगा, डाउन, ग्रोथ, जीडीपी. हाँ करेक्ट, ये मतलब चीज आप है. जैसे चार्ट में मान लो ना, तो योर क्रेडिट साइकिल इज योर 5 डे मूविंग एवरेज, ये स्टॉक मार्केट साइकिल इज 20 डे मूविंग एवरेज, एंड इकोनॉमिक साइकिल इज 400 डे मूविंग एवरेज. ओके ऐसे तीनों का एक कन्वर्जन ऑफ मूविंग एवरेज समझ लो, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. गॉट इट सर. बाय 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 व्हेन लॉकडाउन हैपेंड इन मार्च, सो मार्केट कोलैप्स्ड, बट इकोनॉमिक खत्म तो नहीं हो गया रातों रात. इकोनॉमी तो हाँ चली हाँ गई थी एक करेक्ट दिन पहले तक, करेक्ट करेक्ट, रिस्क हो कंजम्पशन गया तो था खत्म क्या? होगा. हाँ जी,
रिस्क हो गया था कि इकोनॉमिक साइकिल कोलैप्स हो जाएगी, घर में रह जाएंगे, दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे. सो इट स्टार्टेड गोइंग डाउन, रातों रातों नीचे नहीं गया था, बट गवर्नमेंट इन्फ्यूज मनी इन द सिस्टम. गवर्नमेंट हैज दिस पावर टू ग्रो द क्रेडिट साइकिल एंड टू पुल बैक द क्रेडिट साइकिल. सो देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज योर जीडीपी, वन इज इन्फ्लेशन, वन इज योर रेट्स. ये सारा काम आरबीआई का आता है, जो भी सेंट्रल बैंकर होता है किसी भी कंट्री में, सारा काम उसका होता है. व्हेन दे आर रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दीज रेट्स एक्ट एज अ ग्रेविटी. मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक नहीं चलेगा. मेरा इंटरेस्ट रेट घटेगा, स्टॉक भागेगा. कौन सा स्टॉक भागेगा? जो स्टॉक को या जो बिजनेस को ज्यादा लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपेक्स करने के लिए, वो भागे, क्योंकि उसको पैसा सस्ता मिलेगा. जब ये क्रेडिट साइकिल नीचे चली जाती है तो बिजनेस विच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कैपेक्स आर इन अ ग्रीन जोन, कि अब पैसे की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम तो खत्म हो गया. बट दे आर फ्यू बिजनेस विच डोंट रिक्वायर, वो हैव कंपेटिटिव एडवांटेज एंड दीज विल बी सदाबहार फॉर एजेस एंड एजेस टू कम. दे विल कीप कंपाउंडिंग एट 10-15%, 15%, 14%. दे विल कीप कंपाउंडिंग एंड दे कंसिस्टेंटली कीप कंपाउंडिंग एंड गिव यू मनी. बट कंसिस्टेंसी और इतना सबर पता नहीं, विद द बर्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी किसी के अंदर शायद बचा नहीं है. एवरीबडी इज फास्ट, वेरी फास्ट, वॉन्ट्स रिटर्न वेरी फास्ट. नोबडी वॉन्ट्स टू वेट, नोबडी वॉन्ट्स द पेशेंस. सो ये चीजें ऐसी चल रही है. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन कोविड स्ट्रक एंड क्रेडिट साइकिल स्टार्टेड गोइंग अप, पीपल वांटेड टू कम्युनिकेट. सो जूम स्काई रॉकेटेड. जूम का स्टॉक देखो, आप कैश फ्लोस नहीं थे, बट वो 5x, 10x, 20x, 30x हो गया, बिकॉज यूएस मार्केट्स के अंदर फिल्टर्स नहीं होते. एंड वंस द इकोनॉमिक साइकिल ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग अप एंड धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगे, कोविड का मेडिसिन आ गया, कोविड की वैक्सीनेशन लगने लग गई, खत्म हो गई जूम की कहानी. सो रादर देन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग एनी डैम बिजनेस. जो भी कोई बंदा बोल रहा है कि यार ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, हम लोग रैंडमली कर रहे हैं. सी आई डोंट बिलीव इन स्क्रीनर्स. अगर आप कोई स्क्रीनर चला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी आपको चीज आ रही है वो 10-50 लोगों को और को पता है, उसका उसका काम मोर लेस खत्म हो चुका है. योर आइडिया टू फिल्टर शुड बी नेटवर्किंग, योर आइडिया टू फिल्टर शुड बी समथिंग विच यू अंडरस्टैंड, विच इज अ नो ब्रेनर टू यू, राइट? So Zoom was a no-brainer at that time. Zoom performed very well. Cash flow thing. किताब बोले कि cash flow नहीं होगा, profit cash flow में convert नहीं चलता, but made it 30x in no time. So you have to be smart. And your screener can give you कि मेरा sale इतना बढ़ गया, profit इतना बढ़ गया, वो सब basic चीजें, वो level खत्म हो चुका है. पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, लगता है, I don't know, but वो चीजें में आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको 25-30% return बन जाएगा, 50% जाएगा, आप बड़े खुश हो जाओगे. You will never get your multi-year, multi-x returns. वो करने के लिए you have to have an insight which a computer algorithm will not give you by any chance. Because Singer is a computer algorithm, it will not give you by any chance, right? So like things like now there are data centers coming up, and data center will require a whole lot of energy because AI programs हैं, वो Chat GPT है, पता नहीं क्या-क्या चीजें आ रही हैं. You need a hell lot of energy. Where does energy come? You have to produce energy. That is why solar is booming. Why solar is booming? Because it is the cheapest cost of energy. Ab ye koi screener ka filter to nahi hai na. You have to think like this. You have to connect the dots. And this comes only and only and only by reading. Until unless you don't read, you can't do this. एंड सर, दिस इज द रीजन कि आप हमें मतलब जैसे सारी चीज जब ऑटोमेशन की आती है आपको एरो दे देंगे, यहाँ से ऊपर रहेगा, वहां से नीचे जाएगा. अरे अगर इतने एरो देख के बाय सेल ऑटोमेशन से पैसे बनते होते हैं तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करोड़पति हो गए होते. सिंपल बात है. करेक्ट. Simple. So we should use technology to ease our life, but investing is an art. Let it be an art. अगर आपको multiple मतलब wealth create करनी है तो it is return बनाना है. Investing investing is 85% art and 15% analytical skills. Because तीन चीजें होती हैं सर, तीन भी क्या, चार चीजें होती हैं मैं बोलूँगा.
एक होता है डेटा, पहले के जमाने में क्या होता था कि डेटा नहीं मिलता था, एनुअल रिपोर्ट नहीं मिलती थी, आज की तारीख में सबके पास सब कुछ है, तो वो डेटा अवेलेबिलिटी का तो कोई पंगा ही नहीं है, सबके पास स्क्रीनर है, एनुअल रिपोर्ट है, ऑनलाइन आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट इज योर एनालिटिकल स्किल्स, सबको सब कुछ आता है, सबको पता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, मर्जर क्या होता है, एसेट टर्नओवर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सबको सब कुछ पता है, राइट। नेक्स्ट थर्ड थिंग्स कम्स योर पेशेंस, यहाँ पर आज सब लोग मार खा जाते हैं, किसी की पेशेंस लेवल अलग होती है, किसी की पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। एंड नेक्स्ट कम्स योर ऑटोमेशन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन द ऑटोमेटिक मोड, यार मेरे को अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देनी है, जो इंडिकेटर बोलेगा यहाँ ले लो और जो इंडिकेटर बोलेगा वहां भेज दे, सो योर पेशेंस लेवल एंड योर ऑटोमेशन एंड योर टेक्नोलॉजी लेवल्स, ये सब चीजों में बंदे आगे पीछे हो जाते हैं, राइट। करेक्ट एक सेकंड सर, एक सेकंड, राइट सर, सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई वांटेड टू आर्टिकुलेट। हाँ जी, यस सर। सर ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय।